सारे जानते हैं कि पिछले 2 साल से हमारे स्कूल्स बंद थे कोविड की वजह से, सिर्फ हमारे नहीं पूरे संसार में ऐसा था। तो अब 14 तारीख से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, 14 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं और अब 21 से हमारे जो बाकी क्लासेस के स्कूल खुलेंगे, विंटर जोन वाले स्कूल 1 मार्च से खुल जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, डीसी साहब ने 15 तारीख को पुंछ में एक मीटिंग ली जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को कॉल किया गया और ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि एक तो इंस्टीट्यूशन का प्लान बनाया जाए जिसमें ये ध्यान रखा जाए कि स्कूल खोलने से पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया जाए। आप देख लें कि मैक्सिमम स्कूल बंद पड़े हुए थे, धूल थी, ऐसी चीज़ें थी, कुछ स्कूलों में कोविड केयर सेंटर्स बने हुए थे। तो ये बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए कि बच्चों को स्कूल में लाने से पहले सारे स्कूल सैनिटाइज हो जाएँ, उनकी फ्यूमिगेशन हो जाए ताकि जब बच्चा आए तो उसको एक महफूज जो है एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वहाँ सेफ रहे। फिर उसके बाद प्लान बनाया गया कि अगर कोई स्कूल ऐसा है जिसमें एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है तो क्लासेज इस हिसाब से लगाई जाएं ताकि बच्चा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठ सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो डायरेक्शंस ऑनरेबल एलजी सर की तरफ से आई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी, डीसी साहब ने ली, फिर 15 तारीख की शाम को ही सीओ सर ने इन सारी डायरेक्शंस को इकट्ठा करते हुए एक ऑर्डर निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें मिल के जिनका पालन हमारा एजुकेशन विभाग जो है वो हर एक स्कूल में कर रहा है ताकि बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है ना वो प्रायोरिटी है, बच्चा सेफ रहे ये पहली बात है और उसके बाद की बात है कि बच्चे की शिक्षा उसकी तालीम भी पूरी हो। तो इन दोनों बातों को यकीनी बनाने के लिए वर्दी डीसी साहब, एलजी साहब और सीओ साहब की डायरेक्शन पर हमारे तमाम स्कूलों में ये काम हो रहा है।